हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, हम ये स्वेटर हमारी कंप्लीट हो गई है। तो हम यहाँ पे जो ये गले की पट्टी है उसकी सिलाई कर रहे हैं हम आज, तो आपको दिखाएंगे। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिए कैसा लगा। और न्यू हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमेशा आपके साथ न्यू डिजाइन, न्यू सेटर्स के साथ हम आते रहेंगे। तो ये देखिए, हम आज यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं। हमारा ये गले का डिजाइन कैसा बन रखा है, गले का जो शेप है कैसा रखा है, जरूर बताइए। तो हम यहाँ पे आपको सिलाई किस तरह से किया जाता है दिखा रहे हैं आपको। वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। ये देखिए, ये देखिए हमारी ये पट्टी कंप्लीट हो गई है। हमने यहाँ पे अभी फंदों को कम नहीं किया है, क्योंकि हमें लंबाई कितनी करनी है हम सिलाई के साथ ही इसके बराबर करेंगे, उसके बाद हम फंदों को कम करेंगे। तो हमने ये सुई ले लिया है, तो हम डबल फोल्ड में नहीं लेंगे, हम सिंगल फोल्ड में ही धागा लेंगे। ये इस तरह से, ये देखिए, तो ये देखिए हम सिलाई कर रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे गांठ लगाएंगे। गांठ हम इस तरह से लगाएंगे, डबल गांठ लगाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए, हमें इसको, हमने जो पट्टी है उसको हमने खींच खींच कर सिलाई करनी है। और यहाँ पे हम इस तरह जो ये गला बना रखा है हमने, इसको नहीं खींचना है। ये देखिए, हम सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं। सिलाई करते समय हमेशा एक तरफ से ही सुई लेनी चाहिए। हम ये अपनी मुंह की तरफ ले रहे हैं, तो मुंह की तरफ ही हमें सुई लेनी चाहिए। हम उधर की तरफ स्टार्ट करेंगे इस तरह से, तो हमेशा उधर की तरफ सिलाई करेंगे, तो हमारी यह सिलाई बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मजबूत सिलाई होती है। तो इस तरह से ही हमें सिलाई करना चाहिए। ये देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पता नहीं चल रहा है कि हमने यहाँ पे सिलाई कर रखा है। तो इस तरह से हमें सिलाई करना चाहिए। एक तरफ से ही हमेशा सुई लेना चाहिए, इस तरह से सिलाई करने से हमारी सिलाई मजबूत हो जाती है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, देखिए हमारी सिलाई कैसी लग रही है आपको, तो कमेंट में जरूर लिखिए।
ये इस तरह से। ये देखिए पहले हमने इन फंदों को नहीं कम किया है क्योंकि हमारे यहाँ पर सिलाई करते वक्त कम पड़ जाए, तो आखिर हमारा यहाँ पे कम पड़ गया है। हम इसकी बिनाई भी करेंगे इस तरह से। ये देखिए अब ये देखिए हमारे यहाँ पर थोड़ा कम पड़ गया है, इसको हम बिनाई करेंगे। तो ये देखिए हमने गले की पट्टी की सिलाई कर ली है। ये देखिए कैसा लग रहा है, गले की फिनिशिंग कैसी लग रही है, देखिए ये डिजाइन कैसा लग रहा है। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, ये देखिए जी गले की पट्टी की सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये देखिए कैसा लग रहा है, अधिक से शेयर करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तो ये देखिए